नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। खुर्जा के गांव अचलपुर की रहने वाली छात्रा दिव्यांशी शर्मा ने इंटरमीडिएट में जिला बुलंदशहर में टॉप किया है। दिव्यांशी शर्मा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली दिव्यांशी शर्मा का जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। वह खुर्जा के सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। प्राथमिक शिक्षा गाँव के प्राइमरी स्कूल से ग्रहण की है। जिले में टॉप आने का श्रेय वह अपने बाबा को दे रही है। उनका मानना है कि मेरी मेहनत व बाबा का अखट प्रयास आज रंग लाया है, जिससे आज परिवार में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। दिव्यांश, आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और कितनी परसेंटेज आपकी है? 12th क्लास में पढ़ती हूं। तो ये रैंक कितनी दर्शाता है कि जिले में आप कौन से स्थान पर आई? प्रथम स्थान पर जिले में आपने टॉप किया है। श्रेय किसको देना चाहेंगे आपकी मेहनत का? तो पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या करती हैं? तो ये जब घर का काम और खेत का भी काम आपने किया, इतनी मेहनत कैसे, इतना जुनून कैसे आ गया कि आपने जिला टॉप कर दिया? मैं दिन में मतलब स्कूल जाती थी, फिर वहाँ से आके थोड़ा काम लिया थोड़ा बहुत, फिर मम्मी बोलती थी पढ़ ले, फिर मैं रात में पढ़ती थी। कौन सा स्कूल है आपका? आपका नाम क्या है? अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। दिव्यांशी शर्मा। थोड़ा जोर से बोले। आपको परीक्षा में कितने अंक मिले हैं टोटल, कितना परसेंट बना है आपका? 86.4%। अंक कितने मिले हैं टोटल? 500 में से 432। आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की? घर पे ही तैयारी की थी। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार का सफलता में कितना साथ है? मेरे परिवार का सफलता में पूरा आता है, क्योंकि मेरे बाबा है ना, वो मेरे को डेली ट्यूशन पढ़ाने के लिए ले जाते थे, और मैं जब कॉलेज जाती थी तो वहाँ पर छोड़ के आते थे। परिवार में कौन कौन है? मेरे बाबा हैं, अम्मा हैं, और पिता हैं, माता हैं, मेरे दो भाई हैं और मैं हूँ। आप अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय कैसे देना चाहेंगी? मैं अपनी शानदार सफलता का श्रेय अपने बाबा जी को देना चाहूँगी। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में IAS की तैयारी वगैरह अब देखती हूँ, करूँगी। अन्य छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? अन्य छात्रों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हर बच्चे को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।